नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों के साथ। जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ ही जाता है। यह मशहूर डायलॉग आपको पता ही है किसका है। जी हाँ, धर्मेंद्र का सुपुत्र और बॉलीवुड का सुपरहिट हीरो सनी देओल का है। जी हाँ, खबर क्या है? खबर है कि सनी देओल आज भाजपा में शामिल हो गए हैं और गुरदासपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है यह चुनाव भी जीत जाएं। उसके बाद क्या होगा? क्या अपने पापा की तरह इनकी भी पोस्टर लापता सांसद धर्मेंद्र की तरह लगाई जाएंगी? हेमा मालिनी भाजपा के मशहूर स्टार प्रचारक हैं और मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। हेमा मालिनी ने काफी कोशिश कर धर्मेंद्र को राजनीति की फील्ड में लाई ही नहीं बल्कि उन्हें टिकट दिलवाकर लोकसभा तक पहुंचाया। परंतु धर्मेंद्र बॉलीवुड में तो हिट रहे परंतु राजनीति में असफल रहे। उन्हें राजनीति रास नहीं आई और अपने आप को राजनीति से किनारा कर लिया और उनके सुपुत्र सनी देओल अपने पापा की सीट गुरदासपुर से किस्मत आजमाते जा रहे हैं। क्या अपने पापा की तरह राजनीति की फील्ड में सफल होंगे या असफल, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने लोगों से क्या कहा। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो जो आप कह रहे हैं उसे मुझमें एक हिम्मत दी है कि ज़रूर, जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा। आखिरकार चर्चाओं पर विराम लग गया है। सिने स्टार सनी देओल भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा में शामिल कराया। इससे पहले सनी की बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ फोटो वायरल हुई थी। इसके बाद से ही ऐसे ही अटकलें लगाई जा रही थी। पार्टी ने अभी गुरदासपुर व होशियारपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। चर्चाएं हैं कि सनी देओल गुरदासपुर से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सनी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें से प्रभावित होकर वह भाजपा में शामिल हुए हैं। दिनभर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।